मणिपुर की भाजपा सरकार का संकट फिर से बढ़ने लगा है। इस बार पार्टी के 21 में से 17 विधायकों ने मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को पत्र लिखा है। इन नाराज विधायकों ने राज्य में नेतृत्व परिवर्तन की मांग की है। मिली जानकारी के मुताबिक पार्टी नेतृत्व को भेजे गए पत्र में नाराज विधायकों ने कई मुद्दों पर गंभीर सवाल उठा दिए हैं। 21 में से 17 विधायकों ने मुख्यमंत्री बीरेन सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। समझा जा रहा है कि नाराज लोगों और विधायकों का एक गुट भाजपा हाईकमान से मिलने दिल्ली जा सकता है। नाराजगी का आलम यह है कि खुद मुख्यमंत्री और उनके सहयोगियों को पार्टी की बैठक को स्थगित करना पड़ा है। दरअसल कांग्रेस के 8 लोगों को अपने में शामिल करने के फैसले के बाद से ही नाराजगी बढ़ने लगी है। खुद मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे पर एक बैठक बुलाई थी जिसमें कैबिनेट के 39 में से सिर्फ 9 मंत्री ही उपस्थित हुए, जिस कारण बैठक को स्थगित करना पड़ा। मणिपुर में भाजपा ने एनपीपी और एनपीएफ पार्टी के 4 विधायकों के अलावा तृणमूल, लोजपा और एक निर्दलीय विधायक को मिलाकर बहुमत हासिल किया था। आपको बता दें कि कांग्रेस के 8 विधायक भी उनके खेमे में आ गए हैं। इन्हें मिलाकर विधानसभा में सरकार के पक्ष में विधायकों की संख्या पर्याप्त होने के बाद भी भाजपा के अपने 21 में से 17 विधायक मुख्यमंत्री से निराश चल रहे हैं। खबर यह भी है कि पार्टी नेतृत्व के बुलावे पर विधानसभा अध्यक्ष वाई खेमचंद सिंह, पी ब्रोजेन और रविंद्रो के अलावा वाई जयकुमार सिंह दिल्ली गए हैं। उनके अलावा भी भाजपा के कई विधायक पहले से ही दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। समझा जा रहा है कि मणिपुर की गैर राजनीतिक संगठनों के एक समूह यूनाइटेड कमेटी मणिपुर के गठन के बाद से नगा समझौते पर उठ रहे सवालों को लेकर सभी को परेशानी है। यह राजनीतिक समूह हाल ही के दिनों में काफी शक्तिशाली हो चुका है, जो यहां साफ तौर पर जातीय अथवा सामुदायिक लीग पर हो रही राजनीति का विरोध कर रहे हैं। इससे भी विधायकों को अपने भविष्य पर खतरा मंडराता नजर आ रहा है। देश भर में बहुजन समाज से संबंधित अनेक घटनाएं घटित हो रही हैं। नेशनल दस्तक यूट्यूब चैनल के माध्यम से लगभग सभी खबरों को आप तक पहुंचाना चाहता है। वीडियो की संख्या अधिक होने के कारण नेशनल दस्तक की टीम को एक ही यूट्यूब चैनल पर दिखाना संभव नहीं है। सभी मुद्दों को जल्द से जल्द आप तक पहुंचाने के लिए हमारी टीम ने एक नया यूट्यूब चैनल नेशनल दस्तक 2 के नाम से शुरू किया है। वास्तव में यह चैनल नेशनल दस्तक की एक कड़ी है। उम्मीद है आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके हमें और बहुजन मीडिया को और भी मजबूत करेंगे। नए चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। धन्यवाद। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।